बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और आज मैं आपसे चिकन शॉशलिक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, ये तकरीबन 6 टेबलस्पून बन रहा है। इसमें 1.5 टेबलस्पून डेढ़ खाने वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ये शामिल कर देंगे। 30 सेकंड्स के बाद चिकन भी शामिल कर देंगे और इसको इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन सा हो गया है। हीट स्लो कर देंगे। इसमें 7 खाने वाले चम्मच सिंपल केचप ये शामिल कर देंगे, आधी चाय की चम्मच, अदकुटी सुर्ख मिर्च ये शामिल कर देंगे, चिली फ्लेक्स। इस रेसिपी में चिली गार्लिक सॉस इस्तेमाल नहीं कर रही इसलिए इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। नमक ये लेवल करके 1 चाय की चम्मच ये शामिल कर देंगे, सफ़ेद मिर्च ये आधी चाय की चम्मच, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च पाउडर ये आधी चाय की चम्मच इस्तेमाल करेंगे, ये फ्रेश कूट ली है। सिरका 1 टेबलस्पून 1 खाने वाला चम्मच, सोया सॉस ये 3 खाने वाले चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हीट आप मीडियम कर देंगे। इसके साथ ही कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में 1 गिलास पानी लिया है, 1 खाने वाला चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। चिकन और सब सॉसेस वगैरह अच्छे से भुन गए हैं। इसमें कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर को साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच हलाते जाएंगे। ये सारा डाल देंगे, इसी से चिकन जो है अच्छे से गल भी जाएगा। हीट को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको ढक्कन से कवर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेवी भी तैयार हो गई है और चिकन भी अच्छे से गल गया है। हीट बिल्कुल स्लो है और अब इसमें शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई है ये 1/2 कप, प्याज ये भी क्यूब्स में कटी हुई है, और टमाटर, अगर आपके पास सुर्ख शिमला मिर्च हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। आधी चाय की चम्मच चीनी ये शामिल कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गई है और अब इसको सर्विंग डिश में निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन शॉशलिक तैयार है। इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व करेंगे। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। आपने मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।